प्रभु का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए, एक नए अवसर के लिए। हम आपके लिए वचन से पढ़ना चाहेंगे लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 37वां पद। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। You know, मेरे प्रियो, यरूशलेम जो है वो यीशु की महिमा से गूंज रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव को मना रहे हैं, बड़े सेलिब्रेशन में हैं। क्यों? उन बड़े आश्चर्य कर्मों की वजह से जो यीशु ने उनको दिखाए थे। What makes you more happy? कौन सी बात आपको ज्यादा खुश करती है? वो प्रार्थना के उत्तर जो आपको मिले, वो चिन्ह चमत्कार जो आपने अपनी जिंदगी में रिसीव किए, वो मिरेकल्स जो आपकी जिंदगी में हुए, क्या वो आपको ज्यादा खुश करते हैं? या ये वाली बात मेरे प्रियो कि यीशु ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर बलिदान को दिया है। What makes you more happy? कौन सी बात आपको ज्यादा उत्साहित करती है? कौन सी बात आपको ज्यादा खुश करती है? क्या मेरे प्रियो आप क्रूस के बलिदान के महत्व को समझते हैं? जो आश्चर्य कर्म अपनी जिंदगी में रोज रिसीव करते हैं, जो प्रार्थनाओं के उत्तर हमको मिलते हैं, जो चिन्ह चमत्कार हमारी जिंदगी में हो रहे होते हैं, वो सब इस वजह से हो रहे होते हैं मेरे प्रियो क्योंकि यीशु ने उस कीमत को चुकाया होता है। Because यीशु ने कीमत को चुकाया है, इसकी वजह से अपनी जिंदगी में ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को रिसीव कर रहे होते हैं। मेरे प्रिय चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म क्या करते हैं? ये हमारे संसारिक जीवन को ये खूबसूरत बना देते हैं। जब तक कि हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, ये आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, हमको शांति से भरते हैं, हमको खुशी से भरते हैं। पर यीशु का क्रूस का बलिदान हमको पाप से, नरक से, मृत्यु से बचा करके यीशु मसीह में उस अनंत जीवन को देता है, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस स्वर्ग में वहां पे प्रवेश करने पाए, संतों के साथ में, परमेश्वर के लोगों के साथ में हम अपनी की जिंदगी को स्वर्ग में जा करके बिताने पाए। पाप से, नरक से, मृत्यु से वो हमको बचा लेता है। You know, मेरे प्रियो, वो चीजें जो कि अपनी जिंदगी में बहुत आसानी से रिसीव करते हैं, वो बातें जो कि बहुत साधारण तरीके से हम रिसीव करते हैं, उसके लिए यीशु ने बहुत बड़ी कीमत को चुकाया है। बहुत बड़ी कीमत को चुकाया। और मेरे प्रियो, वो क्या चीज है जो कि आप यीशु को उसके बदले में दे सकते हैं उन बड़े कामों के लिए जो कि उसने हमारे जीवन में किए, उस बड़ी कीमत के लिए जो यीशु ने हमारे लिए और आपके लिए सही? What is that best gift? वो उत्तम भेंट आप क्या है जो यीशु को दे सकते हैं? एक फैसला कि पाप से अब हम दूर रहेंगे। एक फैसला कि हम पाप से दूर रहेंगे। वो पाप जिसने हमको परमेश्वर के राज से बाहर निकाला, वो पाप जिसकी वजह से हम इतने सालों उसके नीचे दुखों में, बीमारियों में और समस्याओं में रहे हैं, वो पाप जिसकी वजह से यीशु को क्रूस के ऊपर बलिदान देना पड़ा, हम एक फैसले को करेंगे कि हम इस पाप को अपने जीवन से बाहर निकालेंगे। आमेन। जबकि हम पैशन वीक में चल रहे हैं मेरे प्रियो, जबकि अभी कुछ दिनों के बाद में हम यीशु के दुखों को देखेंगे, गुड फ्राइडे को हम मनाएंगे, कुछ दिनों के बाद में ईस्टर है मेरे प्रियो, जबकि हम इस पवित्र हफ्ते में हम चल रहे हैं मेरे प्रियो, होने पाए कि हम एक फैसले को लें कि पाप को हमको गंभीरता से लेना है और पाप को अपने जीवन से बाहर निकालना है। हो सकता है मेरे प्रियो आप कहें कि ये फैसला आपने अपनी जिंदगी में कई बार लिया कि आप पाप को ना बोलेंगे, कदम दो कदम चले, थोड़ी दूर आप चले भी, लेकिन फिर लड़खड़ा के गिर गए और आप उस काम को नहीं कर पाए। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में पाप से दूरी को बनाने की कोशिश की हो और शायद आप चूक गए हो। पर मेरे प्रियो, अगर आप पाप के प्रति वाकई गंभीर है, अगर आप पाप को छोड़ना चाहते हैं, देखेंगे परमेश्वर के वचन में हमें क्या सहायता मिलती, परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहता है इस चीज के विषय में। भजन संहिता 119 और उसके 11वें पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप पाप को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं मेरे प्रियो, दो काम है जो आपको करना जरूरी है। नंबर वन, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से आप भर दें। फिल योर लाइफ विद द वर्ड ऑफ गॉड। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से आप भर दें। एंड नंबर टू, आप भूले नहीं उन बातों को जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। आप भूले नहीं उन बातों को जो परमेश्वर आपसे कर रहे हैं। दो बातें जरूरी है। फिल योर लाइफ विद द वर्ड ऑफ गॉड। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से आप भर लें।
एंड नंबर टू, आप मत भूलें उन बातों को जो परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। आजकल कोरोना वायरस का दौर है और क्या होता है कि जितनी बार आप फोन किसी को करने के लिए फोन उठाएं और नंबर मिलाते हैं, कोरोना वायरस के संबंध में एक विशेष सूचना चलती है। संक्षेप में छोटी सी कंप्लीट सी एक पूरी इंफॉर्मेशन आती है जो कि हमको सुननी पड़ती इससे पहले कि हमारी कॉल लगे। जितनी बार आप कॉल करते हैं उतनी बार हमको उसको सुनना पड़ता है। क्या हो रहा है? आपके जीवन को ज्ञान से भरा जा रहा है। अगर कोरोना वायरस से बचना है तो अपने जीवन को ज्ञान से भरने की आवश्यकता है। अगर पाप से बचना है तो परमेश्वर के वचन से अपने जीवन को भरने की आवश्यकता है। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भर लेने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज जो जरूरी है वो ये, आप भूले नहीं क्या लिखा हुआ है, बराबर की दूरी मेंटेन करें। हमको मालूम है हमें क्या करना है, बार बार हाथ धोने हैं, 1 मीटर की दूरी बनानी है, हाथ नहीं मिलाना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, दूरी में रहना है, एग्जैक्टली ये करना है। फिल योर लाइफ विद द वर्ड ऑफ गॉड और आप भूले नहीं उन बातों को जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। What makes you more happy? कौन सी बात आपको ज्यादा खुश करती है? वो चिरंतन चमत्कार जो कि यीशु आपके जीवन में करते हैं वो, या उसका क्रूस का बलिदान जो उसने हमारे लिए सहा है? ये आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपने प्रियों के लिए विशेष सहायता आपसे मांगते हैं पिता। पाप से अलग रहने के लिए आप मदद करें, जिसके लिए पिता परमेश्वर आपने यीशु मसीह को भेज दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारी मदद करें, हमारे प्रियों की मदद करें कि पाप से अलग रहने पाए। जबकि आपने रास्ता दिखाया है प्रभु कि आपके वचन से जब अपने आप को भर लेते हैं तो हम पाप से अलग रहने पाते हैं। प्रभु इस क्षेत्र में मेरे लोगों की सहायता करें कि आपके वचन से अपने आप को, इतने मनों को इतना भर लें कि वो पाप की ओर जाने ना पाए। प्रभु आप मदद करें इनके मनों को, मेरे प्रियों के मनों को व्यर्थ बातों से आजाद करके अपने वचन से आप भर दें। प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह।